हिंदी में बोला कि रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खोया। बिल्कुल, रूह का माल खो गया फिर क्या रह गया। वो कैसे बाबा? कोई भी चीज खो जाती है तो खोने के संस्कार पक्के हो जाते हैं कि नहीं? संगम युग में तो अलर्ट रहना चाहिए या अलबेले रहना चाहिए? अलबेलेपन के संस्कार संगम युग में आए, माना 84 जन्मों का खाता बिगड़ गया। हर समय अलर्ट रहना चाहिए। जो भी चीज हमको मिली हुई है वो यज्ञ की चीज है, ये हमारी अपनी चीज है। क्या समझना है? हमारे पास 2 रुपए भी हैं तो किसके लिए है? यज्ञ के लिए है या हमारे अपने लिए है? यज्ञ की चीज है। और यज्ञ का कणा दाना वो तो रूमाल है, फिर भी उसकी 5 रुपए कीमत है। और यज्ञ में एक चावल का दाना उसकी कीमत कितनी है? कम कीमत बताएगी ज्यादा बताई है? यज्ञ के एक कणे दाने की भी बहुत कीमत है, उसकी भी संभाल करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो रूमाल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और हद के रूमाल की बात नहीं है, बेहद का भी रूमाल होता है। क्या रूह माने? क्या आत्मा? और आत्मा का माल, माल क्या होता है? प्योरिटी। आत्मा में जितनी प्योरिटी होगी समझो बहुत माल मर्तबा बढ़ गया। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी मान मर्तबा बढ़ता जाएगा। रूह का माल बर्बाद नहीं करना चाहिए।